आज के पीरियड में हर बुंकर विद्युत विभाग का कर्जदार है। सरकारों की दोगली पॉलिसी के कारण, चाहे वो सपा के मुखिया रहे हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, अंदर डाल के खींच रहे हैं बुंकरों को। तो इस पॉलिसी का मैं क्या बताऊं? उत्तर प्रदेश की राजनीति में चहलकदमी तेज हो गई है। मायावती ने मुख्तार अंसारी का टिकट काटकर अपने प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को सदर विधानसभा मऊ का प्रत्याशी बनाया है। आइए जानते हैं मऊ सदर विधानसभा के लोगों का क्या कहना है। मायावती की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। अच्छा। हम तो यही, जब से ये हमने सुना है कि भीम राजभर को मायावती ने जो है टिकट दिया है मऊ से और मुख्तार अंसारी, तो अब जनता खुद ब खुद सवाल कर रही है कि मायावती के संबल पे उनके भाई सांसद हो जाते हैं, उनके भाई विधायक हो जाते हैं, बजाते खुद मुख्तार अंसारी विधायक हो जाते हैं। उस वक्त मुख्तार अंसारी की छवि ठीक रहती है उनकी निगाह में, और चुनाव आते आते फिर किसी दूसरे का नाम देके, तो अब तो यही समझ में आ रहा है कि मायावती मुख्तार अंसारी को हथियार की शक्ल में इस्तेमाल कर रही हैं हाईलाइट होने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी भी हैं, अखिलेश जी भी हैं और लोग, तो मुख्यमंत्री के दावे से बहुत पीछे मायावती चल रही थी, लेकिन इस हथियार का इस्तेमाल करके मायावती ने पूर्वांचल में अपने आप को हाईलाइट कर लिया है, साथ में मुख्तार अंसारी के चेहरे के साथ। शहर के अंदर मुख्तार अंसारी का नुकसान कहीं से नहीं हुआ है। इसमें वो बाहरी है, मेरा लाल नहीं है, उसने क्या किया है, ये सब अब सवाल कोई नहीं है रहा, कि बजाते खुद जनता को फैसला करना है। हैं, अब एक संगठन है लाल तलाश कर रहा है, अब ना जाने किस बोरिया में पैक करके लाल को रखे हुए हैं, अब उनके लाल को भी देख लिया जाए। मीटर भी चल रहा है, पासबुक से भी पैसा जा रहा है। सरकार कोई पॉलिसी अपनी साफ नहीं कर रही है कि पासबुक रहेगा कि मीटर चलेगा, इसमें तो फंदा डाल दिया। आज के पीरियड में हर बुंकर विद्युत विभाग का कर्जदार है। सरकारों की दोगली पॉलिसी के कारण, चाहे वो सपा के मुखिया रहे हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, किसकी सर, फंदा डाल के खींच रहे हैं बुंकरों को। तो इस पॉलिसी का मैं क्या बताऊं? अच्छा, किसकी सरकार बनेगी आपकी? हैं? क्या सोचना आपका? अब देखिए, सरकार जनता को बनाना है, मतदाताओं को बनाना है, कलाम सौदागर को तो नहीं बनाना है। सब चीज़ का दाम दूना तीन गुना कर दिया है। 2 रुपया एक दिन, एक महीने में 2 रुपया गल्ला फ्री दे के जनता को बेवकूफ़ बनाया है। तेल का दाम, पेट्रोल का दाम, दाल का दाम, सब का दाम बढ़ाए चले जा रहे हैं, और खाली गल्ला दे के जनता को चुप कराए हैं, गुमराह किए हैं। अब केस सोच रहा है कि बदलाव किया जाएगा। कोरोना काल में काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा मौत हुई, कोई पूछहाल नहीं था। ऑक्सीजन बिना मौत हुई, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कमी से मौत हुई। सरकार का बहुत उसमें ये है। मतदाताओं का कहना है कि मुख्तार अंसारी के मुद्दे से उठकर, और इस समय महंगाई और जो बहुत सारे मुद्दे हैं राजनीति के, तो उस पर बात होनी चाहिए। मतदाता इस समय समझदार हो गया है और एक मुद्दे से हटकर दूसरे मुद्दों पर बात करने के लिए सब आगे आने लगे हैं। आप देख रहे हैं मऊ आजकल। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।